हेलो एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 में वर्क बुक में पेज नंबर 30 तक कंप्लीट किया था। आज हम पेज नंबर 31 में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको कॉपीराइट करने दिया था होमवर्क में फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6 करवाया, वहाँ से आपको SW वर्क दिया था कॉपी करने के लिए। आई होप आप लोग ने कंप्लीट किया होगा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा। और यहाँ पे कुछ क्लासीफाई थे क्रियर पल्सेस और ऑयल सीड्स के, जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में करवा दिए हैं, आपने कंप्लीट किया होगा टेक्स्ट बुक में से। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 6 का 4 नंबर आप देखिए। सीड्स स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ वेज आफ्टर ब्रेकिंग, यानी ऐसे सीड्स जिसको ब्रेक करने के बाद वो 2 इक्वल हाफ में स्प्लिट हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे सीड्स हैं? ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, फील्ड बीन एंड मोथ बीन। ओके, सीड्स दैट गेट कन्वर्टेड इंटू मैनी स्मॉल पीसेस और पाउडर फ्रॉम आफ्टर ब्रेकिंग। तो ऐसे कौन से सीड्स हैं जिसे को ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद वो छोटे छोटे पीस में पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ऐसे कौन से सीड्स हैं? मिलेट, मेज, वीट, ज्वार, सीसम, कैस्टर, बुंटी एंड मस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट इज व्हाट इज मोनोकोट सीड्स एंड डिकोट सीड्स में आपको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। ओके, नाउ मोनोकोट सीड्स, विच इज मोनोकोट सीड? वीट, मिलेट, मस्टर्ड, रिपेट गार्ड, मेज, राइस। डिकोट सीड्स में पीजन पीस एंड मैंगो सीड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ द सीड्स विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट। ऐसे सीड्स के नेम देने हैं जो क्या होते हैं? स्प्राउटेड हो जाते हैं। द सीड्स ऑफ वीट एंड ग्रीन ग्राम स्प्राउटेड फर्स्ट। द सीड्स ऑफ वीट और ग्रीन ग्राम है जो क्या हो जाते हैं? स्प्राउटेड हो जाते हैं। नाउ सेकेंड इज विच सीड्स हैव अ ग्रोन बाय द फिफ्थ डे। तो फिफ्थ डे में ऐसे सीड्स कौन से हैं जो ग्रोन हो जाते हैं, मीन्स उग जाते हैं? तो फिफ्थ डे में कौन से सीड्स ग्रो हो जाते हैं? द सीड्स ऑफ ऑल द 3 ग्रीन ग्राम, वीट एंड फील्ड बीन्स। तो कौन कौन से? एक तो ग्रीन ग्राम है, सेकेंड वीट है और थर्ड फील्ड बीन्स हैं, जो क्या होते हैं? फिफ्थ डे होता है तो क्या हो जाते हैं? ग्रोन होने लगते हैं, उगने लगते हैं। फोर्थ इज विच सीड्स हैज अ ग्रोन द टॉलेस्ट। कौन सा सीड्स सबसे लंबा ग्रो होता है? द सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम हैज ग्रोन द टॉलेस्ट। तो ग्रीन ग्राम का जो सीड्स होता है वो क्या होता है? टॉलेस्ट ग्रो होता है। फोर्थ इज विच सीड्स वियर द फर्स्ट टू स्प्राउट ब्रिंग टू लीव्स। ऐसे सीड्स जो स्प्राउट होने के बाद लीव्स आना चालू हो जाती है उसमें। द सीड्स ऑफ वीट एंड ग्रीन ग्राम वियर द फर्स्ट टू स्प्राउट ब्रिंग टू लीव्स। ओके, आपको ये पेज पर राइट डाउन कर देना है। नाउ लुक एट 33 पेज नंबर। पेज नंबर 33 पे आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ जर्मिनेट सीड्स एंड फिल द कलर देम। आपको जर्मिनेट सीड्स के पिक्चर ड्रॉ करने के, सीड्स किस तरह से जर्मिनेट होता है, ठीक है? तो उसको आपको फिर फिल करना है कलर से, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो सीड्स होते हैं उसको क्या करते हैं? ग्राउंड में डालते हैं, जमीन में, ठीक है? फिर उसके अंदर वाटर डालते हैं तो वो क्या होता है? ब्रश होने लगता है, ठीक है? ओपन होता है इसका सीड्स, क्या होता है? फूटने लगता है। फिर थर्ड में क्या होता है? उसमें स्टेम्स आने चालू हो जाते हैं, ठीक है? फिर स्टेम्स के बाद क्या आती है? उसके ऊपर के ग्राउंड्स के ऊपर के भाग में स्टेम्स आती हैं, ठीक है? ऊपर के भाग में स्टेम्स आने के बाद क्या आती है? लीव्स आना स्टार्ट हो जाती है, लीव्स है।
ठीक है, लीव्स के बाद क्या आते हैं, फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सीड्स का जर्मिनेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज, व्हाट इफ मैंगो फ्रूट ग्रोन ऑन क्लाइंबर ऑफ अ बोटल गार्ड। तो अगर हम मैंगो के फ्रूट्स को ग्रो करेंगे बोटल गार्ड्स में, क्लाइंबर्स के रूप में, ठीक है, तो क्या होगा। इफ मैंगो स्टार्ट ग्रोइंग ऑन अ क्लाइंबर ऑफ बोटल गार्ड, पीपल विल नॉट प्लांट मैंगो ट्री, इंस्टेड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग बोटल गार्ड क्लाइंबर्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैंगोस। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे मैंगोस आएंगे। सेकेंड, इफ देयर विल नो सीड्स इन द वर्ड्स, अगर वर्ड्स में, हमारे वर्ल्ड में सीड्स नहीं होंगे तो क्या होगा। इफ देयर वियर नो सीड्स इन द वर्ल्ड, देयर विल देयर वुड बी नो प्लांट्स विथआउट प्लांट्स। तो क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे वो नहीं ग्रो होंगे, ठीक है, वो प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे। वी